जी आया नू प्यारे विद्यार्थियों, छेवीं जमात की गणित की किताब का पाठ दूजा पूर्ण संख्यावां अभ्यास नंबर 2.1 ते इस अभ्यास दे असी 3 सवाल करांगे, पंजवां, छेवां ते अठवां। सतवां सवाल इस वीडियो विच नहीं करांगे, वो असी वक्रे तौर ते करांगे, वो दे काफ़ी सारे भाग ने। सो सतवें सवाल का बच्चों मैं वक्रा करके वीडियो बनावांगा ज़्यादा विस्तार दे नाल, ठीक है। सो तुसी इस वीडियो नू बड़े ध्यान दे नाल देखो, सुनो ते समझो। जिहड़े तुहाडे लई हल कीते गए ने वो अपनी नोटबुक विच उतार लो। जिहड़ियां मैं गल्लां बोल के दस्सां उहनूं बड़े ध्यान दे नाल सुनो, ते मगरों दी इहनां सवालां नूं बिना देखे अपने आप करन दा अभ्यास भी जरूर करो। ते प्यारे विद्यार्थियों, इसी चैनल दे उत्ते तुहाडी एक प्लेलिस्ट हो रहेगी है 6th इंग्लिश, जिहदे विच तुहाडी अंग्रेजी दी किताब माई इंग्लिश कंपेनियन सारी दी सारी हल करके पा दित्ती गई है। सो तुसीं अंग्रेजी दी लोड़ भी तुहाडी इसी चैनल तों पूरी हो जाएगी। सो आओ शुरू करिए अगले सवाल। सो बच्चे, पंजवा सवाल है, कहिंदे हेठां दित्तियां संख्यावां नूं संख्या रेखा ते दर्शाओ। यह संख्यावां ने बच्चों, ठीक है। सो बच्चों पहला एक सीधी लेटवीं रेखा खिंच लेनी है, लेटवीं, ठीक है। ते बराबर की दूरी ते इहदा निशान ला लेने ने, फुट्टा लैके लै लो, अद्धे अद्धे सेंटीमीटर की निशान ला लो, क्योंकि इहदे 15 तक लेना है। जे 15 सेंटीमीटर फिर पेपर इन्ना चौड़ा नहीं होएगा, ते जे अद्धा सेंटीमीटर लवोंगे ते 7.5 सेंटीमीटर तुहाडा पूरा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 15 दा 10 7.5 होंदा है। सो इत्थे निशान लाया एक अद्धे सेंटीमीटर बाद, बराबर दी दूरी ते निशान ला लेने ने, इदां मतलब 15 तो ज़्यादा, ठीक है। फिर सब तो छोटी संख्या 0 है, पहली जिहड़ी संख्या, पहला जिहड़ा निशान है उहनूं लेना है 0। फिर एक छड़ देना है, एक इत्थों गिनती करनी है, एक ते आ गया 2, यह 2 आ जाएगी। 2 तो अगला जिहड़ा 3 है, फिर इत्थे 3 लिख देना है। 4 सानूं क्या नहीं, 4 छड़ देना, 4 टप के 3 4, फिर 5, यह 5 लिख देना है। फिर 6 नहीं मंगया उन्होंने, 6 टपके दे 5 6, ए 7 7 दा आ गया। फिर बच्चों 11 है गया, तो ऐसे इतना गिना 8 9 10 ते 11, इतने 11 लिख देना है। फिर 11 तो बाद सीधा उन्होंने 15 किया, सो ए 12 13 14 ते 15। सो बच्चों इस तरह असी अपना संख्या रेखा के उत्ते जड़े संख्यावां ने उन्होंने दर्शा सकते हाँ, ठीक है। सो तुसी इहदा चंगी तरह अभ्यास कर लेना, बिना देखे तुसी इहदा लाइन ड्रॉ करो, लाइन खिंचो ते इहदा निशान लाओ, ते फिर लिख के तुसी अपने जिहड़ा तुहाडा जवाब हैगा उहदा इहदे नाल मिलान करके देख लो कि गलती तो नहीं हैगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है बच्चों, 22 अते 43 दे विचकार किन्नियां पूर्ण संख्यावां हन, ठीक है। हुण बच्चों इहदा जवाब की हैगा, यह तुसी इस गल नूं, इस लाइन नूं, इस वाक नूं इस वाक नूं कंठ कर लेना है। कोई दो पूर्ण संख्यावां दे विचकार पूर्ण संख्यावां दी गिणती दित्तियां होईयां संख्यावां दे अंतर तों एक घट हुंदी है। इस गल नूं बच्चों 3 4 बार पढ़ो, बार बार इहनूं रट्टा ला लो, कंठ कर लो, ते फिर इहनूं जबानी लिख के अभ्यास कर लो, ठीक है। क्योंकि इहदे दे आधार ते असीं इहदा जवाब लभणा। ते हुण बच्चों अंतर की है, दित्तियां संख्यावां दा अंतर की हो जाएगा, वड्डी संख्या चो छोटी संख्या घटा दो, घटाता 43 चो 22 गया 21, यह आ गया अंतर। ते मैं क्या, वो जिहड़ी संख्यावां दी गिनती की नहीं होंदी, अंतर तो एक घट हुंदी है, ते चो एक होर घटाना है। सो अंतर तो एक घट किन्ना हो जाएगा, 21 घटा 1 बराबर 20, यह आ गया साडा जवाब। भाव 22 अते 43 दे विचकार 20 पूर्ण संख्यावां हन, 20 20, ठीक है। हुण इह 43 कर लेनी आपां, इह मैं 22 लिखिया, 22 तो मैं गिनती करता करता मैं 43 ते गया, यह 43 लिख दिता। ये विचकार दी गिनती है, देखो मैं इन लाल कर दिता, ये विचकार दी संख्यावां है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यह आ गया बच्चे 20। सो 20 संख्यावां ने, यह मैं तुम्हें पड़ताल करके तां दस्या है कि यह साडा जवाब ठीक आया। पर बच्चों जे ए सारियां ते ए 22 और 43 कोई इन्हां दा अंतर ज्यादा नहीं हैगा, 20 है, 21 21 हैगा इन्हां दोनों दा अंतर, ठीक है ना। सो असीं लिख लईआं। हुण मान लो तुहानूं बहुत वड्डी संख्यावां दे रहन, मान लो वो कहण कि 22 दे विचकार ते 130 दे विचकार किन्नियां संख्यावां हन, ते असीं 22 तो लैके 130 जां 945 कह रहन, फिर थोड़ी लिखांगे। ते सानूं इन्ना लिखणा दी लोड़ नहीं हैगी, सानूं इह जिहड़ा सूत्र मैं तुहानूं दस्सिआ है कि दोनों संख्यावां दा अंतर लै लवो ते अंतर विचों एक घटा दो। ए बच्चों जिहड़ी मैं तुहानूं रूपरेखा बना दित्ती है, ढांचा तुहानूं लिख दित्ता है, इहनूं तुसीं चंगी तरह कंठ कर लो, अपनी नोटबुक विच उतार लो, ते अपने वल्लों तुसीं कोई भी दो संख्यावां चुन लवो, अपने मन भाउंदियां कोई लै लवो। तुसीं लै लो जी 15 दे 75 दे विच किन्नियां होणगियां संख्यावां, फिर
फिर तुसी करके देख लो ते ए सूत्र जिहड़ा तुहानूं दस्सिया इदां करके देखोगे ते तुसी बड़े आराम दे नाल तुहाडा इहदा 2-3 वार तुसी अलग-अलग संख्यावां लैके अभ्यास कर लवो ते तुहाडा अभ्यास जिहड़ा है वो पक्का हो जाएगा। बच्चों बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है ते इहो जिहे सवाल पेपरां विच इम्तिहानां विच आउण दी पूरी संभावना हुंदी है। तुहानूं चंगी तरह समझ के मैं तुहानूं पूरे वेरवे दे नाल एक एक पड़ाव दर पड़ाव दस दिता है। पहले मैं इहदा वो लिख दिता है, कथन लिख दिता है, फिर पहले पड़ाव च मैं इहदा कि अंतर ते दूजे पड़ाव च अंतर तो एक घटाउणा है ते फिर थल्ले आ गया जवाब साडा कि भाव जिन्ना साडा अंतर लै के अंतर चो एक घटा के जवाब आएगा उही संख्यावां दी गिणतियां होणगियां दो दित्तियां हुई संख्यावां दे विचकार ते उहदा इदां बनेगा जे पड़ताल करनी होवे ते। ठीक है, आओ हुण अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बच्चों 8वां हैगा, कहिंदे घट है जां ज्यादा है, ए निशान है कहने, इहदा मतलब घट है इहदा मतलब ज्यादा है, जां ढुकवे ए जां ए ढुकवे चिन्हां नाल खाली स्थान भरो। बच्चों जे दो संख्यावां होन तो जां बराबर हो सकदियां हैं ते जे बराबर नहीं हैगियां तो एक वड्डी है ते दूजी छोटी है। हुण बच्चों असीं ए खब्बे पासे देखणा है ते उहदे हिसाब नाल निशान लाउणा है। ठीक है, हुण देखो बच्चों जिहड़ी जे दो संख्या की तुलना करनी है ते जिहड़ी संख्या दे अंक ज्यादा हुंदे हन उह वड्डी हुंदी है। बस पहले सब तो पहले देखना अंक कितने ज्यादा ने, ये अंक किन्ने ने, 2 और 5 दो अंक ने, ये किन्ने अंक ने, 1, 2 ते 3 ये 3 अंक ने, यहाँ 205 वड्डी है 25 छोटी है। सो असी ए निशान लगाओगे छोटी है, 25 छोटी है 205 तो। ठीक है, फिर अगर बी हूँ ये अंक किन्ने ने, 1, 2, 3 ये अंक किन्ने ने, 1, 2, 3। हूँ जल्द अंक बराबर हो फिर की करना है, फिर पहला अंक देखो, पहला अंक 1 यदा भी पहला अंक 1 बराबर हो गए। हूँ दूजा अंक देखा तो दूजा अंक जोड़ा है यदा 7 है तो यदा 0 है। तो बच्चों 7 जोड़ा है वह 0 तो व्डा हों, जे 7 0 तो व्डा होंगे यदा मतलब की है जी संख्या हैगी 170 यह वही है 107 तो। ठीक है, हूँ देखो बच्चों 415 किन्ने अंक ने, 1, 2, 3। 514 किन्ने अंक ने, 1, 2, 3। हूँ अंक बराबर ने, हूँ असं पहले अंक की तुलना करा, यह है 4 यह है 5। अगे जाने की लड़ ही नहीं, सूँ पता 4 जोड़ा है 5 तो छोटा होंगे है, इस करके 415 छोटी है 514 तो। ठीक है, हुण यह देखिए बच्चों किन्ने अंक ने, 1, 2, 3, 4 ते 5 यह किन्ने ने, 1, 2, 3, 4 यह 4 अंक ने, 9999 हैगा ते हैगा 10001। तो बच्चों यही संख्या हैगी है यह तो वड्डी है क्योंकि ये अंक ज्यादा है, देखने छोटी लगती है। देखो यह तुम्हें लगता सारे सारे नाए हैगे ने, इतने 1 ते 0 है, नहीं पहले असी अंकों की गिनती देखनी है। सब तो पहला ए संख्या विच अंकों की गिनती 5 है, इस संख्या विच अंकों की गिनती 4 है, इस करके ए संख्या ए तो वड्डी है। हुण देखिए बच्चे अगली संख्या के किन्ने अंक ने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक के बराबर ने। सो पहला अंक देखिए 2 एदा भी 2 बराबर ने। हुण अगला अंक चलिए, यदा 3 एदा दूजा अंक भी बराबर है, फिर तीजा देखिए 0 यदा भी 0 है, अगे चलिए फिर चौथा अंक 0 यदा भी 0 फिर बराबर आ गया, फिर यह तीजा पंजवा अंक देखिए यदा 0 तो यदा भी 0, छेवां अंक है बच्चों 1 तो यदा छेवां अंक है 4 तो हूँ 1 जड़ा है बच्चे वो 4 तो छोटा होंगे है, इस करके ए वाली संख्या ये तो छोटी है। तो सामने पता भी होना चाहिए शब्दों के कितना लिखा है, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लख 10 लख। सो 23 लख 14 हैगी है 23 लख 41, सो यह 14 जड़ा है 41 तो छोटा है। ठीक है बच्चे, हूँ यह देखिए यह किन्ने अंक ने, 1, 1, 2, 3, 4 ते 5 यह 5 अंक ने, यह किन्ने देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 लै ए तो 6 है ने, यदा मतलब देखो देखने लगते नौ जड़ा है 8 तो वड्डा होंगे है, पर बच्चों हैगी है 5 अंकों की संख्या, यह हैगी 6 अंकों की संख्या। यह हो गया बच्चों यह तो कि 8,88,888 तो यह कि हो गया 99,999। ठीक है ना, यह लखा च हैगी है हजारों से। सो यह संख्या जी हैगी है ये तो छोटी है। सो बच्चों ध्यान रखना है पहले की देखना है, पहला देखनी है अंकों की गिनती, जिहड़ी संख्या के अंक ज्यादा होणगे वह संख्या वड्डी होएगी ते जिहड़ी अंक संख्या के अंक घट होणगे वह छोटी होएगी। जे अंक बराबर ने फिर पहले अंक तो शुरू करना है खब्बे पासे तो, जिहड़ा पहला अंक वड्डा होएगा वह वड्डी होएगी, जे बराबर ने फिर दूजे अंक ते चल जाओ, जे दूजा अंक वड्डा होएगा तो वह वड्डी होएगी, जे वह बराबर फिर तीजे अंक ते चलो, जिदा असीं इत्थे कीता है। देखो
दो बराबर तीन बराबर तीन, फिर असी इतने आके छेवें अंक से देखिया कि एक जड़ा है वो चार तो छोटा है, इस करके यह संख्या एक तो छोटी है। सो ऐसी प्यारे विद्यार्थियों तुहाडी अभ्यास नंबर 2.1 के तीन सवाल, ये नाल साडा यह अभ्यास इतने समाप्त होंदा है। इहदा जिहड़ा सत्तवां सवाल है वह मैं वक्रे तौर पर तुहाडे लिए लैके आवांगा, तो तुसी इसी तरह नेम के नाल उत्साह के नाल अनुशासन के नाल अपनी पढ़ाई करी चलो, तो अगले वीडियो तक लई रब रखा। थोड़ा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद।